पार्टीज टू अ बिल ऑफ पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? देयर वर थ्री पार्टीज. यहाँ पे क्या है? टू पार्टीज. ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है. पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट. मेकर एंड पे, ध्यान से देखना. पार्टीज मेकर और पे. मेकर द पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट. कौन बनाता है प्रॉमिसरी नोट? डेटर, जिसने पैसे देने हैं. जिसने पैसे देने हैं. परचेजर ऑफ द गुड्स, जिसने सामान खरीदा है पैसे उसी ने देने हैं. पेई कौन हुआ? पेई सेम है. द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट. द पर्सन हु receives the payment. Parties जो मर्जी हो, parties जो मर्जी हो. Bill of exchange में तीन थी, draw draw पे ही, यहाँ पे दो हैं. Accounting करते वक्त, आपने पैसे, जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए वो document होता है bill receivable. जिसने पैसे देने हैं उसके लिए वो document होता है bills payable. चाहे bill of exchange हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली सेम है. जिसने पैसे लेने हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, आपने पैसे लेने हैं तो आपके लिए वो बिल रिसीवेबल है. मैंने पैसे देने हैं तो वही डॉक्यूमेंट मेरे लिए बिल्स पेबल है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे वो प्रोमिसरी नोट. तो पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट, दो पार्टीज हैं, एक मेकर और एक पे. मेकर द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिस to pay the amount. It is a person who has availed the credit. Pay is the person to whom payment is to be made. It is a person who has granted the credit. So, kaun tha ye? Normal scenario mein seller of the goods. So, kaun hua ye? Creditor. Jisne credit grant kiya tha. Credit pe saman becha tha. Parties to a promissory note.